हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल डीके टेक्निकल गया। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ओटीपी सत्यापन आप लोगों का नहीं हो पाने के कारण जो आईसीडीएस विभाग है वो लेटर पे लेटर जारी कर रहा है कि आप लोग ओटीपी सत्यापन जल्द से जल्द अपना पूरा कर लें। तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पर फिर से एक नया लेटर प्राप्त हुआ है, जिसमें कि इस लेटर के बारे में बताऊँगा कि ओटीपी सत्यापन का डेट कब तक बढ़ गया है। तो चलिए, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे लेटर की ओर चलते हैं। जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये लेटर जारी हुआ है 9/8/2021, यानी कल शाम को ये लेटर जारी हुआ था, जिसकी संचिका संख्या है 3931। प्रेषक में है अनुश्रवण पदाधिकारी आईसीडीएस निदेशालय की तरफ से इस लेटर को जारी किया गया है। सेवा में सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी, सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को विषय दिया गया है। आंगनवाड़ी केंद्रों पर माह जुलाई 2021 का पोषाहार प्राप्ति हेतु टोकन प्रणाली की तिथि विस्तारित करने के संबंध में। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि लास्ट डेट जो विस्तारित किया गया था वो 6/8/2021 तक विस्तारित किया गया था, लेकिन फिर से इस डेट को विस्तारित कर दिया गया है, जैसा कि मैं आपको नीचे दिखाऊँगा। और उससे पहले, आपने हमारे इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जो लोग चैनल पर नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा लें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे पत्र में। इस पत्र को देखिए, दो बार जारी किया गया था। महाशय, उपयुक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के द्वारा राज्य के सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर पोषाहार का वितरण टोकन प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। ये तो आप सभी को मालूम ही है। उक्त पत्रों के द्वारा माह जुलाई 2021 का पोषाहार प्राप्ति हेतु टोकन या कूपन प्रणाली के माध्यम से दिनांक 6/8/2021 तक निर्बाध रूप से समयबद्ध ही करने का निर्देशित किया गया था। जैसे कि यहाँ पे डेट जो बताया गया है 6/8/2021 तक ही डेट था, जो कि आपको उस तारीख तक आपको ओटीपी सत्यापन वेरीफाई कर लेना था, परंतु टोकन प्रणाली की प्रगति अत्यंत धीमी रहने के कारण दिनांक 12/8/2021 तक अवधि विस्तारित करते हुए शेष बचे हुए टोकन कूपन अप्राप्त वाले लाभार्थियों को माह जुलाई 2021 का पोषाहार वितरण पूर्ण किया जाए। यहाँ पे फिर से डेट को विस्तारित कर दिया गया है, जो कि अब अंतिम डेट है 12/8/2021 तक आपको 100% लाभार्थियों का टोकन प्रणाली सत्यापित कर लेना है, और जो शेष बचे हुए टोकन कूपन है, यानी कि जो शेष बच जा रहे हैं टोकन प्राप्ति वाले, उन लाभार्थियों को भी माह जुलाई 2021 का पोषाहार वितरण कर देना है। कहने का मतलब है कि आपको जितना टोकन दिया गया है उन सभी टोकनों को वेरीफाई कर लेना है, और आप जितने लाभार्थी को पोषाहार वितरण करती हैं उनका जो एक टीएचआर रजिस्टर में उन सभी लाभुकों का रजिस्टर मेंटेन करके रखना होता है। साथ ही पोषाहार वितरण प्रतिवेदन संलग्न प्रपत्र में दिनांक 14/8/2021 तक निदेशालय को उपलब्ध कराए। जो इसका पोषाहार प्रतिवेदन है, इस प्रतिवेदन को आपको 14/8/2021 तक ऑफिस में जमा करा देना है। ससमय प्रतिवेदन निदेशालय को अप्राप्त रहने के कारण निदेशक महोदय द्वारा इस बात को गंभीरता से लिया जा रहा है कि आपके द्वारा जो पोषाहार प्रतिवेदन है ऑफिस में नहीं पहुंच रहा है टाइम से। इसके लिए जो निदेशक महोदय हैं इस बात को गंभीरता से ले रहे हैं कि आप लोग जल्द से जल्द इसका प्रतिवेदन ऑफिस में जमा कराएँ। अतः सभी महिला पर्यवेक्षिकाओं एवं आंगनबाड़ी सेविकाओं को निर्देशित किया जाए कि माह जुलाई 2021 का 100% पोषाहार निर्बाध रूप से वितरण करना सुनिश्चित किया जाए। तो अब जो जुलाई माह का टोकन प्रणाली से वितरण करना है वो आपको 12/8/2021 तक 100% कर लेना है। तो आप सभी को ये जानकारी कैसा लगा? अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।